दो मुद्दे हैं। एक तो हम देख रहे हैं कि आसरा के साथ क्या हो सकता है, महापौर जी ने भी बहुत मदद की और कैलाश जी ने भी मन में, और यहाँ के जो मुसीबतें हैं जानवरों की वो किस तरीके से सुलझाए जा सकते हैं, तो एक अस्पताल की भी सुझाव है जो माहनपुर में वहाँ बनाया जा सकता है, तो उन चीज़ों के लिए मैं आई हूँ। मेरा मोर्चा खुला हुआ है जी ये नहीं कि चल बंद हुआ है। जो लोग जानते नहीं हैं कुदरत के बारे में कैसे दुनिया चलती है, वो लोग इसको मारो उसको मारो इसको मारो, जब भी हम एक कोई नस्ल को मारते हैं तो दूसरी कोई मुसीबत खड़ी हो जाती है। इसलिए हमको ये देखना है कि एक कोई भी हिरण कोई भी जंगली सुअर को बाहर आना अच्छा नहीं लगता है जंगल से। दो वजह ये है, एक तो किसान खुद जंगलों में आग लगा देता है, जब वो आग लगा देता है तो ये जानवर बाहर निकल करके घूमने लगते हैं। दूसरा, इनको दूर रखना बहुत आसान है, ज़रूरी नहीं है मारना। अगर आप इनको मारेंगे, अब जैसे नील गाय है, अब नील गाय को आप उड़ा देंगे तो बहुत किस्म के पेड़ हैं जो नहीं उगेंगे, उगना बंद हो जाएगा, क्योंकि बीज उनके शरीर से पार होना ज़रूरी है। वही हालत सुअरों की, तो बिना सोचे समझे अगर हम ये कहते हैं इसको मारो उसको मारो इसको मारो, तो हम इंसान को ही मारते हैं। लक्ष्य हमारा क्या है? लक्ष्य हमारा ये है कि इंसान खुशी से जिए, है ना? तो जिस टहनी पर आप बैठे हैं अगर उसी टहनी को काटना शुरू कर दें तो फिर इसको अकलमंदी नहीं कहते। और जो जंगल का मंत्री है उसको अपना धर्म निभाना चाहिए, जंगलों के जानवर और जंगल को बचाना ये उसका धर्म है, नहीं तो वो मंत्री ना बने। मंत्री अच्छी जी बात है कोई तो सेवक हो, जी लेकिन कोई किसान परेशान नहीं है। और एक चीज मैं बताऊं कि कोई किसान ने आज तक शिकायत नहीं की है। हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन इस पर किया था क्योंकि उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में अक्सर ये आवाज उठती है कि जी नील गाय को मारना चाहिए और जंगली सुअरों को मारना चाहिए, किसान बड़े परेशान हैं। और फिर हम लोग जब जाते हैं टीमों को लेकर के और पूछते हैं कौन से किसान परेशान हैं, पता चलता है कि ये ज्यादातर जो टूरिज्म के लिए हंटिंग करना चाहते हैं वो चार पांच किसानों को सामने खड़ा कर देते हैं और फिर वो जाकर के हाय हाय करते हैं, और हाय हाय करने के बाद फिर ये लागू हो जाता है। और फिर पता चलता है कि कौन मारने वाले हैं, जो लोग दिल्ली से आते हैं, बम्बई से आते हैं, विदेश से आते हैं, और आकर के उनको शौक है कि हीरो बने बंदूक चला करके, वो जा करके इन किसानों के कंधों से ये बंदूक चलाते हैं। ये है हालत। जी बहुत सारे रिजॉर्ट वालों के साथ मिले हुए हैं, जी बहुत सारे पॉलिटिशियंस रिजॉर्ट के साथ मिले होते हैं, और ये रिजॉर्ट वाले ही शोर मचाते हैं कि ये बेचारे किसान किसान किसान। तो किसानों के कोई किसान धरती से दूर नहीं होता, कोई किसान। आज तक मैंने कोई भी किसान को नहीं देखा ये कहते हुए कि इसको मारो या उसको मारो। ये केवल रिजॉर्ट वाले और जो विदेश से आते हुए और दिल्ली से आते हुए लोग हैं वही ये मन में डाल देते हैं ये चीजें। मुझे लगता है कि कोई भी अगर ये बोले कि इसको मारो या उसको मारो, उसको खुद हटना चाहिए। ये जो इशू है ये शुरू शुरू में आदमी कुछ कहना चाहता है और कुछ कह लेता है, और वो कभी कभी जैसे मैं कहती हूँ ना, दिल में और जबान के बीच में इतनी बड़ी खाई हो जाती है कि जो दिल में है वो जबान पर गलत निकल जाती है। ये संवेदनशीलता बढ़ती जाएगी और दिल और जबान एक ना एक दिन तो एक हो ही जाएंगे। एंड बहुत जरूरी है कि हम लोग इस वक्त सिविल सोसाइटी को सुने, क्योंकि ये देश की आवाज आखिर में बोलने लगी ही है। पहले तो खाली सरकार बोलती थी, उसके बाद खाली राजनीतिक लोग बोलते थे, अब तो देश बोल रहा है। देश की आवाज सुनना बहुत जरूरी है। कड़ा कानून भी होना चाहिए, स्कूलों में संवेदनशीलता सिखानी चाहिए। अगर आदमी पैदा नहीं होता है ये समझ करके कि औरत और मर्द एक है और इज्जत दोनों की एक बराबरी पर हो, और रक्षा जो कमजोर है उसकी रक्षा बहुत तगड़ेपन से होनी चाहिए, वो ये स्कूलों में सिखाना चाहिए। हम लोग स्कूलों में सिखाते नहीं हैं गांधी जी की आदर करना और पंडित नेहरू की आदर करना और अन्य हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं और गौतम बुद्ध और इन सब की आदर करना, तो क्यों नहीं सिखा सकते हैं कि अपनी माँ बहन भाभी बेटी उनकी आदर करना भी उतना ही जरूरी है। नहीं, गाय की तस्करी बहुत धड़ल्ले से चल रही है, बहुत धड़ल्ले से, और इसका तभी बंद होगा जब मांस निर्यात बंद हो जाएगा। इस वक्त देश में पिछले 10 साल में कम से कम 10,000
नाजायज कत्ल खाने खुले हैं और कानून इतना ढीला है कि जब भी हम ट्रक पकड़ते हैं तो वो तस्कर जो है सुपरदारी पर ले लेते हैं। और फिर सुपरदारी का क्या मतलब है, जाते हैं कटने के लिए। पुलिस इसमें हर हालत में पूरे देश में मिली हुई है। पुलिस का अब ज्यादातर पैसा आता है गाय की तस्करी से। ये हम लोगों ने एक नहीं हजारों दफा देखा है। अभी मैंने पंजाब में एक गाय के ट्रक पर, गायों के, भैंसों पर नहीं, गाय के ट्रक पर एक आदमी को बिठाया, 13 जगह में 13 चुंगियों पर उसने पैसे दिए कतल खाने पहुंचने से पहले। तो अगर पुलिस, अगर हम लोग राजनीतिक लोग पुलिस पर इतना दबाव डालें कि गाय की तस्करी को वो बंद करे, तो वो एक रात में बंद हो सकते हैं। ये जो कत्ल खाने चल रहे हैं, मिसाल दिल्ली से लेकर के रामपुर तक पूरा एक ही कत्ल खाना देखते जाओ, पूरा रास्ता एक कत्ल खाना है। अलीगढ़, आगरा, एटा, इटावा, ये कत्ल खानों के अलावा कुछ है नहीं। बंगाल, मध्य प्रदेश में इतनी गाय की तस्करी हो रही है और सब जा रहे हैं नागपुर कटने के लिए। वहां से एक दफा महाराष्ट्र में एक गए तो कोई उनको बचा नहीं सकता है, क्योंकि वहां तो धड़ल्ले से पुलिस उनको खुद खड़े होकर के कटवाती है। और वो दियोनार कारखाना जो सरकारी कारखाना है, जिसने हाईकोर्ट में ऑर्डर दिया कि मतलब लिख करके दिया कि हम लोग गाय को नहीं काटेंगे और निर्यात के लिए नहीं काटेंगे, वो केवल अब निर्यात के लिए काट रहा। कानून बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो पुलिस वाला निकलने देता है जंगल के किनारे से, जो इंदौर की तरफ से निकल रहा है, जो नागपुर की तरफ जा रहा है, उसको रोकने के लिए कौन क्या कर रहा है? या तो पुलिस के ऊपर ये पाबंदी लगाई जाए कि अगर कहीं गाय मिल जाए तो आसपास के सारे पुलिस सस्पेंड हो जाएंगे। सस्पेंड क्या, सस्पेंशन भी कोई डरता तो है नहीं, क्योंकि 75% तनख्वाह तो मिलती है और रिश्वत वहीं के वहीं। तो या तो नौकरी चली जाए उनकी, तब जाकर के पुलिस बाज में आएगी। 100% हम लोगों ने इतनी बेवकूफी से ये सोचा है कि तस्कर अलग है और करंट मारने वाला अलग है, और करंट मारने वाला एक अच्छा किसान है इसलिए हम उसको छोड़ देंगे। सवाल ही नहीं है, ये जो भी करंट से मारता है उसको वही सजा मिलनी चाहिए जो तस्कर को मिले, यानी कि 7 साल की सजा। अगर वो पकड़े गए कोई तस्करी में तो जरूर, मैं मानती हूं कि पूरे देश में धड़ल्ले से चल रही है, और ये एमपी गवर्नमेंट की ही नहीं, गुजरात में चल रहा है, राजस्थान में चल रहा है, दिल्ली में 300 ट्रकें आती हैं, उत्तर प्रदेश से ज्यादा कुछ हो नहीं सकता है, बंगाल में हमारे, अभी मैंने अभी अभी बैठ करके एक बैठक की रेल वालों से, क्योंकि सारी तस्करी तो वही करवा रहे हैं, रेल में गाड़ी जानवर बिठा करके बांग्लादेश खुद ले जा रहे हैं। तो हम लोग भूल ही गए कि गाय से ही यह देश चलता है।